इंसर्ट में चार्ट, चार्ट पे क्लिक किया, इसमें से किसी भी चार्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके करते ही आपके साथ यहाँ पर चार्ट एमएस वर्ड में आपको डिस्प्ले कराएगा और यहाँ पर एक साइड पर जो है वो आपको एक्सेल अपीयर करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसमें आकर मैंने लगा नेम, ठीक है, इसमें हेडिंग दे दी मैंने वर्ड, ठीक है, एक्सेल एक्सेस, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक हो गया, साथ साथ इस पर देखिए फर्क पड़ता जा रहा है, 90, 12, 14, ठीक हो गया, 21, 21 नंबर से दे रहा हूँ अपनी मर्जी से ना, हर सब्जेक्ट के एक्सेल में फलाने बंदे कितने नंबर हैं, वर्ड में फलाने बंदे कितने नंबर हैं, ठीक है, फलाने बंदे के इतने नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल आ गया कि ऑटो सम के ऊपर क्लिक करें, कि ऑटो सम पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली सारों को सिलेक्ट कर देगा, एंटर कर दे, सबका टोटल निकल आएगा, ठीक हो गया। इसको क्लोज किया, अब यहाँ पर आ गया, ग्राफ बन गया इसका, यहाँ पर डिज़ाइन को इसका चार्ट स्टाइल, यहाँ पर आकर चार्ट स्टाइल जो है इसका कोई सा भी आप जो है वो सिलेक्ट कर, ठीक हो गया। यहाँ पर आकर आप कोई सा ले, ठीक हो गया। ये लेने के बाद जी कुछ कह रहे हैं आप, सारा बताया जा रहा है, नंबरिंग हाँ, ये कलर्स, ये कलर, ये कलर, ये कलर किस किस चीज़ का, ठीक है। फिर भी मुश्किल लगता है मुझे, सबसे आसान इसमें ये लगता है कि मैं नंबर 5 को क्लिक करूँ, लेआउट 5 को क्लिक करूँ, उसमें मेरे पास नाम भी नीचे लिखे हुए आएंगे, टेबल भी बना हुआ आएगा और चार्ट भी शेप भी नजर आएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर चार्ट का टाइटल चेंज करना है, यहाँ पर आके क्लिक किया और नाम चेंज कर दिया, फिर यहाँ पर चार्ट की टाइप अगर चेंज करनी है, क्लिक किया कौन चार्ट, ठीक है, सिलेंडर चार्ट, पाइट चार्ट या लाइन चार्ट, ये उसी में बना हुआ, ठीक हो गया। दोबारा एडिट करना है तो एक्सेल के ऊपर क्लिक कर दें, दोबारा एक्सेल ओपन हो जाएगा, फिर नंबर कुछ चेंजिंग करनी है, तब्दीली करनी है, तब्दीली करने के बाद फिर से इसे क्लोज कर दें, फिर आप उसी हालत में, एक्सेल काम वर्ड नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसके अंदर और भी काफ़ी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल आप इसी को चेक करें, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी की ऑप्शन के बारे में आगे चल के इसमें बता, ठीक है। लेआउट है, ठीक है, लेआउट के अंदर यहाँ पर आ जाएँ, शेप्स हैं, ठीक है, चार्ट्स हैं, फिर फॉर्मेट में आ जाएँ, यहाँ पर ये फॉर्मेट्स आपकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें आ जाएंगी, डिज़ाइनिंग वगैरह इसी तरह से यहाँ डिस्प्ले कर, ठीक हो गया। और ये डिफरेंट शेप्स वगैरह आ रही हैं आपके पास, टाइटल चार्ट्स, ये सारी ऊपर की ऑप्शन है, एरिया चार्ट्स है, एक्स एक्सिस और एक्सिस, ठीक है, खुद से चेंज भी कर सकते हैं अपनी अपनी ऑप्शंस, ठीक है, शो टेबल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, किस तरह से नज़र आ रही है, ये सारी सेटिंग होगी आपके चार्ट के हवाले से, ठीक हो गया। इस तरह से जब क्रिकेट मैच आता तो वहाँ पर चार्ट बना, तो इसी तरह से ही बना होता है, ये प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैं एमएस वर्ड में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर, ठीक हो गया। अब वो टेबल वगैरह बनाएं, उसके बाद फिर मैं आगे बनाता हूँ, ठीक है, ये काम यहाँ तक।